अस्सलाम वालेकुम। तो मरियम की जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और प्यारी प्यार। तो उम्मीद करती रहूंगी आप लोग अच्छे अच्छे नहीं बहुत अच्छे और मैं भी अच्छी नहीं मस्त मस्त हुआ है। और इसके बाद में अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ये देखो पलंग कितना खूबसूरत, उधर देखो पसारा कितना खूबसूरत। ये हमारे लिखे कपड़े अभी जूने हमको क्या क्या निकाल, जूने तो है नहीं फिलहाल के कपड़े भी पैक में कभी तो जूने नहीं होते कपड़े, पेंटी ये तो जूने कहा से ही है ना। तो ये कपड़े सब निकाल रहे हैं, कपड़े जमा रहे और कुछ कपड़े में निकाल रही क्योंकि कबाट फुल मतरूज भरा हुआ है। और ये कबाट वो कबाट 10 बार तो बताते रहते कौन सा कबाट है ना। तो पंखा भी स्लो कर दिया, एसी भी बंद कर दिया इसने। तो अभी मैं सब कपड़े निकाल रही हूँ और कबाट पूरा साफ कर रही हूँ। और माशाल्लाह देखो आज 7 साल हो गए हमारे कबाट की पलाई आप देख सकते हो, जो नंबर ब्रांडेड ही होता है। क्या बोलती दिखा अंदर से, दिखा अंदर से जो अपनी सफाई अंदर से दिखा देखो क्या मस्त है, चमकता है आज भी। और ये मैंने एक्स्ट्रा लगाई थी, ये मेरे कपड़े ना ज़्यादा लोड से इसी वजह सबने बोला ये एक पार्टी है। ये क्या कर रही, एक तुम्हारा एक परी का है ना। हाँ ये मेरा है, ये परी का है, ये वाला ना। हाँ तो परी के कबाट में रखो, परी ने आधे मेरे कबाट में कपड़े जाम कर दिए। मतलब कौन सा ड्रेस मैंने कभी जिनको ये भी याद दिया लग गया, ये जो है ना ब्लू साफ कर ली मगर मैंने एक बार लॉन्ड्री से आयला है, मैंने पहनी भी नहीं ऐसा लग गया। तो ये देखो सफाई चालू है हमारी, सफाई और टपाई है ना, सफाई और टपाई। तो अभी मैं भी थोड़ा टॉयलेट भी धोने जा रही थी तो शमीम ने तो आज धो ली और कल उम्मीद करूँगी मैं धोने की, क्योंकि मेरे को धोने का है टॉयलेट। मगर मेरे आदमी ने क्या बोला, हाथ में ना वो पहन के धोना, क्या बोलते हैं ग्लव्स, वो भी कौन सा वाला बोला मालूम, मैं जो ऑरेंज आता ना बिगारी लोग पहनते बोला वो पहनना, इंजीनियर लोग हाँ वही बिगारी या इंजीनियर, तो बोला वो पहनना, वो पतला वाला नहीं पहनना नहीं तो फट जाता था, हाथ में लग जाता है। अल्लाह नूरी देखे कपड़ा कितना अच्छा अंदर धपके पड़ेला है, बता कितना प्यारा लगा था मैंने एक बार पहनी थी। गोला का हवा आ रही थी यार नीचे से। हाँ तो ना फिर सब मैंने बोले ब्लाउज पहन के करा क्योंकि मैंने मेनिकर पेटी का आप लोगों को पता ही है। तो ये करने में मेरे नाखून थोड़ा इधर दुखता है लगा ना ये सब, तो मेरे को वो दुखता है जख्म हो जाता है। तो ठंडी का टाइम है ऐसे मेरे नाखूनों में बहुत ज़्यादा पेन है। और मैं उम्मीद करूँगी ज़िंदगी में मैं नेल आर्ट नहीं कराऊँगी ज़्यादा करके, मैं उम्मीद करूँगी कि नहीं कराऊँगी क्योंकि अपने नेल आर्ट में ना अपने ओरिजिनल नाखून की बहुत माँ हो जाती है। तो मेरे नाखून तो ऐसे पतले ऐसे है नाजुक पहले, और ऐसे लग रहे कि छोटे बच्चों के कैसे पैदा होते तो हो जाते हैं नाखून ऐसे हो गए, तो वो कितने नरम हो गए। मैं उम्मीद करूँगी कि नेक्स्ट टाइम नहीं कराऊँ, उनके लिए मदद क्या करिए, चूल का कीड़ा बहुत बड़ा है। तो अभी हम लोग थोड़ा कपड़े और सपड़े निकाल रहे, हम बोले थोड़ा कबाट जमा लेती हूँ मैं आज घर में बैठी हूँ। तो ऐसे शाम में मेहमान लोग तो आए लंदन के, तो परी गई है सब घुमा रहे लोग को इधर उधर सब जगह लोग गए हैं, हाजेरी वो गेट ऑफ इंडिया और कुछ बॉम्बे शॉपिंग करने वगैरह वगैरह। फिर वापस अब कपड़े को नीचे रख दिए तो फिर मेरे पहनने में नहीं आएगा वो, थोड़ा ऊपर तो रखे मेरे दिखे तो सही, मेरे को जो दिखता मैं वही पहन लेती हूँ। हाँ मगर कभी कभी पहनती मैं ड्रेस भी, तो इसके लिए परी गई घूमने के लिए। शाम में हम लोग सब होटल में जा रहे थे खाना खाने, तो मेरे तरफ से लोग को दावत है। तो अभी हम लोग शाम में होटल में जाते हैं तो फिर आप लोग को बताते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं। परी का है ना? नहीं मेरा है, टोपी दिखते मेरे को तो। और ये खाला ना वीडियो चालू रहेगा ना, बुनक बुनक करते बीच बीच में आते रहेगी, हो जाना फटाफट हाथ चला और उसको वो काफी हाथ चला। हाँ बड़ी मैडम खाला है ना मैनेजर नूरी छोटा मैनेजर खाला बड़ा, नूरी अपने आप को मैनेजर समझती है। मैनेजर तो बोला मैं बड़ी घर की तो ऐसा छोटी मैनेजर हो या बाबू बाबू करती हूँ, अनाप को ना बोले कुछ बोलती नहीं है। हाँ अनाप
अनाप को देखो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अनाप पूरी सबको इतना पूरा पूर के निकलती है ना कि अनाप को बोलने की जरूरत नहीं। अनाप को आया नहीं इसलिए बाबू बाबू करते क्या आया ना सोते छोटा आए तो इसलिए बोलते। और अनाप अनाप तू जरा आवाज से बोल देख तेरा देख ऐसा लोग बोल रहे तू तेरे को जरूरत है बाबू बाबी बोलने की। हाँ मैं बोला मैं पठान बोला कॉलर तो कर दे ऊपर कॉलर तो कर दे बाकी बात तो छोड़ दे। मतलब मेरे को बाबू और बेबी की जरूरत नहीं है, लोगों को मैं बाबू बेबी बोलती। बोलना मेरी भुप्पू ने कभी ना किसी को बोलने लगाए अपने आप को बाबू ना बेबी ना हम लोग कभी बोलने लगाएंगे। बोलना हमारे अंदर दीदी बाबू मत बोलो मैं बाबू के लायक का नहीं हूँ मैं एकदम चौड़ी कंपनी करके। तो शेर खान उसको आज से नूरी बाबू ने बोलेगी शेर खान बोलेगी क्या बोलेगी नूरी अपना पश्चो में शेर खान भाषा बोलेगा। हाँ तो आज मैं चाहती सोचती हूँ कि यार ड्रेस मेरा बहुत फेवरेट कलर है और मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैंने पहनी भी 5-6 बार और ये पहली बार पहनी तो माशाल्लाह तो इतना खूबसूरत लग रहा था। और समीर के साथ मैं अजमेर गई थी ना जब पहनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ड्रेस कुछ ऐसा लगता कुछ याद कुछ ऐसा। तो मैं आज सोचती मैं यार ड्रेस पर जब सोची थी बुरखा ही पहनूँ बुरखा तो पहनूंगी अगर नहीं भी पहनी तो मतलब ये ड्रेस पहनूँ अगर पहनूंगी तो यही ड्रेस पहनूँ। अभी आप देखते आसपास बोले वापस से मैंने उनका ब्लॉग बनता है। हाँ ये ड्रेस खाला ने हमारी परी की शादी में पहने थे और इतना डिसेंट ड्रेस था ये। और एक बोलते ना एक माँ की एक बेटी की शादी रहती तो माँ कैसी सिंपल सोबर रहती है तो वैसा ही था ये ड्रेस। और मेरी परी ने मेरे को बोली थी मम्मी तुम बहुत भारी ड्रेस लो बहुत भारी ड्रेस लो तो मैंने ये त्रिमाला से ली थी। तो मैंने बोली थी मेहमानों को देखना आए तो मैं भारी पहन के क्या स्टेज पर खाली थोड़ी खड़ी रहूँगी मुझे खाने की तरफ भी देखना है हर किसी को देखना है। तो फिर ये ड्रेस मैंने ली तो ज़्यादा पैसे का भी नहीं था ये था 7,500 का ड्रेस था और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था। और जब मैंने जब नीचे की टाइम पे ऐसा करके दुपट्टा डाली थी जब तो इतना प्यारा लग रहा था कि पूछो मत कर दी ऐसा दुपट्टा था। और इसमें मेरे करली बाल थे ना हाँ करली ऐसे बाल थे माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे वो लुक तो कुछ अलग ही लग रहा था करके। तो माशाल्लाह वो मेरे पास में वीडियो भी है और वो मेरे पास फोटो भी है ना अनाप और हमारे इसके ऊपर भी है ना। हाँ तो अनाप देखना वो ब्लॉग पे डालेगी बोलती तो आप लोग देखना करके ड्रेस कितना प्यारा। और उसके बाद ना वो ड्रेस मुझे आया ही नहीं फिर टाइट हो गया फिर मैंने उसको ढीला करा नहीं दी फिर कुछ टाइट हो गया मतलब उसके बाद मतलब वो ड्रेस वैसा कुछ बैठा ही नहीं और मैंने फिर पहनी ही नहीं। तो ये 2-3 बार तो मैंने कहा इसको ढीले और टाइट में कर दी मगर पहन नहीं पाई। और मेरी बेटी को बोला मामी ये ड्रेस तुम किसी को देना नहीं ये तुम उठा के रखना करके तो मैं उठा के रखती हूँ। तो मेरी परी ने बोली किसी को देना मत करके। और मैं पहले ना ऐसी त्रिमाला से ना ऐसे ड्रेस ही ज़्यादा पहनती थी येल्लो वाला तो याद है ना कटोर वर्क का है ना चो इससे भी चोरी कटोर वर्क का ही पहनती थी था ईद वीद के टाइम किसी की हल्दी के टाइम मरून कलर का सब कलर के ऑरेंज कलर का तो मैं ज़्यादा करके त्रिमाला से लाती थी कपड़े। और मुझे ऐसे सिल्क कॉटन के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है सिल्क कॉटन में ये कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे इसमें बहुत बुरा तो बहुत पसंद है ये कपड़ा मेरा फेवरेट है। जैसे अगर भरा हुआ कपड़ा हो तो इसके ऊपर हो तो ही मुझे पसंद है जॉर्जेट ऑर्जेट तो मुझे भरा भी नहीं पसंद है। इसकी वर्क देखो ना कितनी प्यारी करनी है कॉपर वर्क है ऐसा गोल्डन में भी नहीं जा रही है ये ना ऐसा कहीं में कॉपर कलर में और प्याजी कलर था इतना प्यारा लग रहा था ना ड्रेस वो माँ मैं बता नहीं सकती और क्या पता उसके बाद मेरी ड्रेस आने को तैयार नहीं बोली थी। ड्रेस ज़्यादा छोटा हो गया कि मैं ज़्यादा चौड़ी हो गई अल्लाह को मालूम मैं इतनी भी तो चौड़ी नहीं हुई हूँ। अरे कितना ढीला करा अरे देखी अरे देखा ये ढीला कर रही हूँ देखूँगी अभी डाल दी कभी आयान की शादी में हाँ तो बुढ़ी चौंगी नहीं तो और 4 साल पीछे चले जाऊंगी। तो अनाप बोलती है कि आयान की शादी में तुम क्या पहनेंगे तो मैं भी आयान की शादी में मेमन लोग मैक्सी पहनते हैं चून वाली वो और सफ़ेद दुपट्टा ऐसा वर्क वाला जैसे कि चिकन का दुपट्टा आता है वैसा पहनूंगी है ना क्या लहंगा पहनूँ क्या क्या पहनूँ तुम लोग बताओ। अरे बस हो गया साड़ी से भी मैंने साड़ी से देख ली कितनी बना ऊपर नई साड़ी रेड कलर की नई साड़ी रखी है फिरोजी कलर की वाह मैंने तो इतने अरमान से लाई थी वो
उम्रा करने से पहले पांच साड़ी जाके, जैसे कि आप लोगों ने देखे थे ब्लैक कलर की और जो वाइन कलर की मैंने सुनार क्या पहनी थी। ये देखो ये दुपट्टा इसका है, इसका है ना। हाँ अच्छा, उसका कॉटन का दुपट्टा। कितनी सारी साड़ी तो न्यू, अल्लाह वो तो न्यू तो छोड़ दो, बेंगलोर से लाई हूँ। कितनी सारी न्यू, 11 साड़ी। वो तो ऐसी के ऐसी पड़ी है, और वो थैला भी आना कभी इधर रखती कभी उधर। वो साड़ी को सेल में लगाने वाली, अगर कोई साड़ी के शौकीन हो रहे तो बता देना, वो साड़ी को मैं सेल में लगा दूँ। क्योंकि मैं साड़ी अभी मेरे से उम्रा करके मेरे को साड़ी पहनने को मन नहीं होता है। और मैंने नूरी ने तो अभी गोल्डन कलर की अभी यहीं पड़ी, अरे वहीं रखी है। कितने दिन से नूरी ने निकाल के रखी थी ये गोल्डन साड़ी, पहनो ना करके बहुत अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर। मगर क्या पता, जब से मैं उम्रा करके मेरा साड़ी पहनने को थोड़ा दिल अच्छा नहीं लगता है। पहले आप लोग देखे हर पार्टी में ज़्यादा करके साड़ी पहनती थी, तो मैं वो साड़ी का सेल लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला। क्या करूँ, पहनूंगी नहीं तो इतनी सारी साड़ी, कोई रिश्ते में पहनता भी नहीं, देने को गिफ्ट नहीं, ऐसा कोई वो भी नहीं है। बताया कि हम लोग शाम में जाने वाले हैं होटल में, तो हम लोग जा रहे हैं पशियन दरबार में। और जो हमारे मतलब परी की बड़ी अम्मी भी लगती है, परी की बड़ी सास भी लगते हैं, और मेरी खाला भी लगते हैं, मतलब दो रिश्ते हमारे लगते हैं। तो सब लगन से आए थे वो लोग, तो आज हमने दावत की है। तो लोग सुबह से तो जू पे इधर उधर घूमने गए थे, बॉम्बे कहाँ गए थे। तो अभी वो लोग भी आ रहे हैं वहाँ से पश्चिम दरबार में, और हम लोग यहाँ से भी जा रही है। और परी ने पूरा इनका वीडियो कैप्चर करा है पूरे दिन का, तो मैं पूरे मेरे ब्लॉग पर डालूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना है ना, तो ज़रूर देखना आप लोग। तो आप लोग इंशाल्लाह ताला सब मालूम पड़ेगा कौन कौन आया, कहाँ कहाँ घूमे। और अभी अल्लाह दीदी, तुम लोग की गाड़ी का सरकार किधर गया? माशाल्लाह देखो आ गए अभी लोग। ऊपर के ऊपर रख के भी ले सकते हैं। 2-3-4 टेबल हमने ज्वाइन किए। नहीं वो बेचारा रात को आया, कल आया, कल इसकी सरदार की सास ने दावत रखी थी, तो बेचारा ट्रेन से आया, फिर काम कर मुमताज एक पीस डालो, नहीं एक पीस निकालो, चिकन लगा
क्या खाएगा? चावल मनुष्य अच्छा है। मेरे भाई को बहुत भूख लगी है और बोलता खाने में क्या मंगाए, भूख का सही क्या मैं ये चिकन चिकन उससे बॉइल्ड अंडा मंगा के दस बारह दो खाने मैं भी तो वही बोला था परी का फेवरेट है चिकन, सोयल परी है ना, चिकन तो सबका ही। अभी ये देख सकते आप लोग, पहले हमने चिकन मुमताज खाया और अभी ताजा एकदम फेमस है ना। मटन टिक्की बोटी तुलसी भाजी हमारा बर्तन ये क्या है? मटन टिक्की बोटी मटन मटन है यार, चिकन ये मटन मटन बस फोटो निकाल। ये मेरी फेवरेट फिश गार्लिक है ना, फिश गार्लिक फिश गार्लिक फिश बटर गार्लिक बहुत ज़्यादा वाली है और माशाल्लाह गार्लिक मटन सल्ली बोटी नहीं और वो क्या होता है रुमाली रोटी, रुमाली रोटी खड़े हो जा ना बेटा, थोड़ा खड़े हो जा, ये इतना है बस लेना रे। तो देखो मुझे जो है ऑरेंज जूस की तरह कोल्ड कॉफी ना, वो कोल्ड कॉफी क्या क्या चालू है। रानी को भाई बर्फ कम डाले ना, आइस आ रहे क्या है? ये आलू है, आलू गार्निश का आलू है। दिख रहा कैसा मगर? दिख रहा ये मूली जैसा, मूली जैसा दिख रहा ना, तो मेरी क्या गलती है इसमें? मरिये में खाई मूली समझ के खा, एक पीस खा ली मैंने यार। अब आपको पश्चिम दरबार का खाना कैसा लगा? पश्चिम दरबार खाना एक नंबर ही देखा है, खाना खा हुआ है सब, लेकिन बहुत रहता है। पार्सल जैसे तो वही पूछ रहा तुमको, मैंने खाया ना मेरे को खाना हो गया। अभी हमारा चालू है भोजन, तो ज़्यादा ऐसा पीती नहीं हूँ ना, आज मैं सोची चल पी लेती हूँ क्योंकि मैं उनकी से पहले मैंने खाना थोड़ा खा ली हूँ, इसलिए पी रही हूँ ना, मैं तो सब चुस्कर नहीं कर रही हूँ। हाँ
खाने के बाद पी रही हूँ। क्या मैंने अभी तक इसको तो बोली भी नहीं पी रहा करके शर्मा आजकल बहुत सीखी हो उन्होंने खाना है छीछे साथ साथ टुकड़े बर्फ के खा रही है खाना है तो माशाल्लाह खा पी के हो गया और चाचा लोग भी फुल सुल्तान लोग भी खींच रहे गड़ी गड़ी सुल्तान लगता है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आफरीन बेचारे सब तो उधर ही बैठे मेहमानों मतलब मेरी अम्मी के पास अरे अम्मा का ली वीडियो तूने पर ही लोग सब तो वहीं बैठे थे बानो अपल सब लोग हम लोग यहाँ बैठे थे। आपको कैसा लगा खाना? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो उठो चलो इधर ही दोनों अभी खाना ना खाते तो इधर का मेरी अम्मी बैठे इधर और ये अम्मी की बहन भी लगते हैं और मेरी खाला भी लगते हैं और परी की बड़ी सास भी लगते हैं बड़ी अम्मी भी लगते हैं ना सब रिश्ते लगते हैं हमारे घर के यही बानो अपा आए जो लंदन से आए और ये माशाल्लाह मायनू की बेटी है ये बेटा है और छोटी बेटी वहाँ है और चाचा इनका लोग मिल रही ये मायनू के हस्बैंड है शोएब भाई का शोएब भाई और ये लंदन जाएंगे तो आप इनकी होटल पे जरूर विजिट करना कि वो हमारी होटल है DFC ओके हमारी होटल पे जरूर विजिट करना अगर आप लोग लंदन जाओगे तो और लंदन से जो कोई मम्मी को देखता है तो प्लीज आप लोग हमारी होटल पे जरूर विजिट करो विजिट करो माशाल्लाह हमारी होटल बच्ची की छे और बहुत ज़बरदस्त होटल है रेटिंग देती है उधर इंशाल्लाह हम लोग भी आएंगे लंदन जरूर है ना चलो फाइनली फाइनली अभी हम लोग यहीं स्टॉप कर देंगे अपना ब्लॉग हमने सब डाल दिए और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इतना अच्छा लगा कुछ सबके साथ आके तो अभी गाड़ी में जाके बैठे मैं इधर लास्ट आपसे बाय करने के लिए अल्लाह और ऐसे ही आप लोग मेरा ब्लॉग कंटिन्यू करो देखते रहो लाइक करो सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाने का ना भूलिएगा ओके मरियम की ज़िंदगी देखते रहिए चलो ये थोड़ा मैं क्लिप मम्मी के लिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे जो कज़िन लंदन से आए घूमने के लिए तो अभी हम लोग आए हाजी वली अजय अली बाबा के वहाँ पर आए और मैं भी मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई हूँ तो आयत भी फर्स्ट टाइम आई है तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप कैप्चर करूँगी जो जो हम लोग अभी फाइनली तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जैसे कि सोहेल की सिस्टर आए उनकी बड़ी अम्मी आए तो अभी हम लोग जा रहे दरगाह पे तो फिर आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताते रहूँगी अभी हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे और आप लोग देखते रहेंगे माशाल्लाह इधर दुकान है देखो हर चीज़ की फैसिलिटी है और अभी हम लोग ने आयत के लिए भी चप्पल वगैरह लिए शोएब भाई ने चप्पल वगैरह दिला है बहुत अच्छा लग रहा है ये आंटी खड़े ब्लबिंग हो रहा है ये सब मेरी पूरी फैमिली खड़ी है ये उनकी बहन खड़ी है सब फैमिली खड़ी है बहुत अच्छा लग रहा है ये सब शॉप है फाइनली हम लोग दरगाह पे पहुंच गए और बहुत ज़्यादा चलना है बट बहुत अच्छा लगा यहाँ तक पहुँचा फाइनली जस्ट अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अभी जाएंगे ज़ियारत करने और थोड़ा पहले पानी पी लेते हैं और बहुत अच्छा लगा इतना दूर और बहुत अच्छा लग रहा है और मैं क्या बताऊँ आपको और
इन लोग के बहाने हम लोग भी बहुत सालों बाद आए, मिनिमम 10-12 साल बाद आए। मेरी शादी को ही 5 साल हो गया, आयत को 3 साल हो गया, तो बहुत साल बाद मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ यहाँ पर गर्दी कितनी है, लोग बाबा के चाहने वाले कितने।